हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आरटीएक्स 3000 सीरीज़ के बारे में, जो अभी रिलीज़ हो चुकी है, एनवीडिया ने बताया है। तो आखिर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इंडिया में। तो आप जैसे क्विकली अगर हम लोग प्राइस चेक कर सकते हैं, फ़िलहाल आरटीएक्स 2060 सुपर। अब ये सब जो ग्राफिक कार्ड है 2060 वाले, वो एकदम से बेकार हो चुके हैं। अब इनका कोई वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि जो आपको स्पेक्स इसमें मिल रहा है उसकी बात ही अलग है। अब 37,000, अब इसका प्राइस मार्केट में चलता है 350, तो 400 बढ़ा दिया, 400 का आपको 40,000, समझ लीजिए आपको, आप 10 लगा लीजिए, आपका 400 है, तो फिर उसका मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इंडिया में प्राइस ऐसे ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है, आप जानते हैं। जबकि ये प्राइस ग्राफिक कार्ड 350 का है, 400 में मिलके, तो आपको 400 का है तो 7 × 28, लगभग आपको 30,000 तक मिलना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मिलता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो नई सीरीज़ उसने लॉन्च कर दी 500 में, तो आपको 500 है तो फिर आपको 35,000 में, नहीं, पकड़ के चलो 50,000 में। लेकिन सोच के देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, आरटीएक्स 2080 Ti जो है, ये आप देख सकते हैं 4352 कूड़ा कोर्स है, और 1.3 MHz पे इसने क्लॉक किया है। लेकिन अब आप स्पेक्स देखिए नए वाले का, सोच के देखिए 5888, सोच के देखिए, और 1.73 GHz प्लस IPS इम्प्रूवमेंट भी होगा उसमें। अब आप सोच रहे होंगे, अरे जिस हिसाब से प्राइस दिखा रहा है 600, ये इसके हिसाब से तो मेरा, मेरे को लगता है कि RTX 3080 ले लेना चाहिए। नहीं, आप सोच के देखिए, अभी आप अगर बेंच मार्क देखेंगे तो आप 144 Hz पे खेलेंगे तो CPU बॉटलनेक हो जाएगा ऑलरेडी। तो उसके लिए आपका CPU भी उतना पावरफुल होना चाहिए, 9900K रहेगा तो भी आपको 4K पे खेलना पड़ेगा। 1440p हो गया, 1080p स्क्रीन वाले लोग को 3080 लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल लगभग यहाँ पे, तो 3080 2x टाइम, यानी मतलब 2x, यानी मतलब 2080 जो पर था 4000, 2080 लगभग 3000 4000 के आसपास ही था, उसका लगभग डबल हो गया है। आप देख सकते हैं, सोच के देखिए 4300, और देखिए इसका ही डबल हो गया है 2080 Ti का भी। तो अगर मान लो ये स्पेक्स रियल भी नहीं, लेकिन 2080 Ti के डबल हो गया है, तो आप इतना CPU प्रोसेस पावर ले सकते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से लेना होगा। और प्राइस आप देख सकते हैं, इसमें भी ऑलरेडी बता दिया 71,000, क्योंकि इंडिया में अभी लॉकडाउन का वक्त है, आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप बिगनावी के लिए रुकिए, नवंबर में वो रिलीज़ होगा, वो 7 नैनोमीटर TSMC के पे है, और वो आप एक्सपेक्ट कीजिए 5700 XT का डबल होगा, वो भी कम प्राइस में। अभी आप देख सकते हैं 5700 XT वर्सेस 2080 Ti। तो आप यहाँ पे रुकिए, वरना ये अभी म्यूज़िक डाल देगा, तो फिर देख सकते हैं आप 104 और 90, तो आपको 180 मिल जाएगा, और इसका 2080 Ti है तो आपको, यानी मतलब 100 पकड़ लीजिए, 100 100 200, लेकिन आपको ये चीज़ मुझे लगता है आपको 500 में मिल जाएगी। जो इसका 3080 है, जो 3080 का प्राइस है 700, मुझे लगता है अगर AMD निकालेगा तो वो निकाल देगा लगभग 600 या 500 में। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, DLSS। DLSS बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं डेथ स्ट्रैंडिंग अगर आप 8K में खेलेंगे DLSS के साथ, तो आपको 55 FPS मिल सकता है, और AMD के पास ऐसा कोई भी नहीं है सोर्स कि वो कर सके कि कोई भी AI टाइप निकाले। इसलिए यहाँ पे टेंसर कोर उसको बहुत फ़ायदा करता है। तो आपको मैं क्विकली स्पेक्स बता देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 GB DDR5, काफ़ी कम दिख रहा है 8 GB, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक दिखाएगा वो, कि वो Xbox One X, और अगर नहीं भी दिखा रहा है तो मैं खुद से बता देता हूँ। अभी जो ये देखो ना, देखो, नाउ विद Gen4 PCI Express सॉलिड स्टेट ड्राइव PC कैन ट्रांसफर 7 GB/s 100 टाइम फास्टर। तो उसका कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई भी डेटा, कोई भी टेक्सचर अगर लेते हैं, तो आप पहले रैम में डालते थे, रैम फास्ट, लेकिन अब रैम जितना फास्ट आपका PCI Gen4 ही हो जा रहा है।
तो इसलिए अब आपको क्या करना क्या होगा, ये 8 GB आपके स्टोरेज को भी जोड़ दो इसमें। वो थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन 8 GB थोड़ा स्लो स्टोरेज में जुड़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 128 GB PCIe Gen 4 है, वो 7 GB/s देता है PCIe, तो अब वो क्या होगा, आपका मेमोरी 100 GB बन जाएगा। अब समझ रहे हैं ना, अब वो वक्त गया जब यहाँ पे इनबिल्ड 8 GB उसके अंदर ही लगा रहता था मेमोरी, उससे पावर लेने का। अब यहाँ पे वो SSD से भी, NVMe SSD से भी पावर ले सकता है। तो आप ये देख सकते हैं ये सब चीज़ कैसे रहेगा। क्यों 24 दिया, क्योंकि जब 8K पे आप खेलेंगे तो आपको मेमोरी ज़्यादा इधर उधर करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा है 8K 60 FPS, वो इसलिए क्योंकि आपको मेमोरी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब में आप देख सकते हैं कि आपको इतना फास्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेन चीज़ क्या है, 3080 लेंगे तो आपको जो उसका आप उसका ग्राफिक कार्ड देख सकते हैं, उसमें 3 8 पिन है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाथ में लिया है कि नहीं, जल्दी जल्दी हाथ में आ जा। इसने देखिए, रुक जाओ, दिखाएगा। कम ऑन, अगर इसमें नहीं भी दिखा रहा तो आप समझ के रखिए कि 3080 में आपको 3 8 पिन चाहिए, 3 8 पिन, क्योंकि अभी इसमें भले दिखा रहा है आपको 12 पिन देना पड़ेगा, लेकिन जब उसका फाउंडर एडिशन अपना वो आएगा, PCB आसूस उसूस ये सब लोग देंगे, तो आपको उसको 3 चाहिए रहेगा। तो आपको इसके लिए पावर सप्लाई भी चेंज करना होगा, इसके लिए आपको सिर्फ 2 पिन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपका CPU कितना ताकतवर है। अगर आपको लेना है तो आप 3070 के लिए बचा के रखिए, लेकिन देख लीजिए इतना प्राइस पकड़ के चलिए कि वो आगे चल के बढ़ के आ ही जाएगा। 500 है, 35,000 में आपको नहीं मिलने वाला, पकड़ के चलिए 45,000 के ऊपर जाएगा ये सब प्राइस, एक तरीके से मैक्सिमम पकड़ के चलिए कि इतना चलेगा। लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी दमदार निकली। आप भी मेरा लाइव स्ट्रीम एंडिंग में चेक कर सकते हैं, मैंने जहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने दोस्त को भी कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बिग नावी के लिए रुकना चाहिए। उसके बाद मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल एडिटिंग करके बताऊंगा कि क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। फ़िलहाल के लिए ये शो झकास निकला, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा पावरफुल निकल जाएगा। आप खुद ही सोच के देखिए, 3070 पास्कल 980 Ti से जब गया था 1080 Ti पे, तो कितना फास्ट हुआ था, 50% 60%। लेकिन यहाँ पे जब 3080 Ti, अभी Ti वर्जन भी नहीं आया, 90 पे आया, बीच में एक Ti भी आएगा, लेकिन आप सोच के देखिए 3080 2 टाइम फास्टर, 280 2080। तो यानी मतलब अगर हम इसको वैसे कर ले 980 जो, और उसको कंपेयर करें 1080, क्या 980 से 2 गुना पावरफुल है 1080? नहीं, लेकिन यहाँ पे है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ ख़रीदना है तो यही जनरेशन बेस्ट है। एम्पियर के लिए पैसा जमा कर लो, और AMD के लिए रुके रहो, कंपटीशन आएगा, पैसा कम नहीं होगा लेकिन अपने पास ऑप्शन ज़्यादा आएगा, क्योंकि एनवीडिया का मार्केट शेयर 80% है। तो आप बिगनावी के लिए रुकिए, घाई मत कीजिए कि अरे अभी प्राइस बढ़ जाएगा घट जाएगा। प्राइस एनवीडिया नहीं घटाने वाला मेरे हिसाब से। आप बिगनावी के लिए रुकिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं। हो सकता है AMD अपना भी कोई नया सॉफ्टवेयर लेके आया हो, और AMD के पास एक फ़ायदा है कि उसके पास कंसोल मार्केट है। तो जो भी कंसोल के गेम बनेंगे ज़्यादातर गेम, तो वो हमेशा AMD और रेडियन ये सबको ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। और ज़्यादा फ़ायदा करने का मतलब क्या, कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो सबसे पहले रेडियन में आना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं हार्डवेयर रे ट्रेसिंग जो है एनवीडिया ने लाया, अगर मान लीजिए उसके पास कंसोल होता उसका और उसमें वो फीचर डालता तो AMD को कवर अप करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे एनवीडिया डब नया फीचर डाला लेकिन किसी ने कवर अप नहीं किया, धीरे धीरे किया। तो उसी तरह हो सकता है AMD भी कुछ नया रीजन निकाल, नया चीज़ निकाले DLSS जैसा, टेंसर कोर, हो सकता है वो अलग तरीके से कैलकुलेशन करे, लेकिन एक बार हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये कंपटीशन आएगा जरूर, कुछ ना कुछ सस्ता हो ही जाएगा। मेन चीज़ मुझे रे ट्रेसिंग से मतलब नहीं, मेरे को DLSS से मतलब है। DLSS कुछ ज़्यादा ही 2.0 अच्छा है, आपको नए नॉर्मल ग्राफिक से भी अच्छा आपको DLSS में मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे
उसने डेथ स्टैंडिंग का एग्जाम्पल दिखाया होगा, यहाँ के दिखाया होगा, ये देखिए, अब खुद ही सोच के देखिए, 720 को वो 1080 करता है और लगभग उतना ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब दिखता है। और आप देखिए इधर देखिए, अब सोच के देखिए, 108, 141 DLSS लगाने के बाद अगर आपको 40% इम्प्रूवमेंट मिल जा रहा है तो आराम से AMD को हरा सकता है। लेकिन अभी हमें देखना है कि ये कितना कारीगर को साबित करता है NVIDIA, इसलिए कोई घाई की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अभी बुक करने की। हाँ, आपको अगर आपका बहुत सिस्टम पुराना है और आपको खेलना है, आपको 4-5 महीने नहीं रुकना है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ले लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो NVIDIA ने दिया है अगर आप ले लेंगे, मुझे नहीं लगता कि AMD इतना अच्छा रिलीज़ कर पाएगा कि आप पछताएंगे। आप चाहिए तो 3080 ले सकते हैं, अच्छा है, लेकिन आपको CPU पावर भी उतना पावरफुल चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त वो है जब CPU बॉटल नेक करेगा, जबकि CPU कभी बॉटल नेक नहीं करता था, लेकिन अब CPU बॉटल नेक करेगा, ये अपना नॉर्मल चीज़ होना समझ के रखो, क्योंकि AMD अभी निकालने वाला है वो, और इंटेल जो है उसका अगला जनरेशन भी एकदम घटिया ही आने वाला है। कोई खास IPS इम्प्रूवमेंट नहीं है, बस PCIe Gen 4 है, AMD देगा भले, लेकिन वो गेमिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेल के बराबर होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप अपने हिसाब से समझ के चलिए, अगर आपके पास 4K TV है तो 3080 लीजिए, अदरवाइज 3070 के लिए रुकिए और बिग नावी के लिए रुकिए, क्योंकि 3080 लेने का कोई मतलब नहीं अगर आपका CPU ही बॉटल नेक कर देगा। मैं तो कहता हूँ 1440p अगर 144Hz खेलेंगे तो भी बॉटल नेक हो जाएगा CPU। तो इस अगर आपके पास 4K है तो 3080 ज़रूर लीजिए, अदरवाइज़ मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बिग नावी के लिए रुकिए, नावी 21 जिसको कह रहे हैं वो बहुत अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो जाएंगे। नवंबर तक का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आपको शायद हो सकता है 3060 भी मिल जाए, तो आपको अफोर्डेबल ग्राफिक कार्ड इस लॉकडाउन में भी मिल जाएगा, आपका पैसा भी कम ख़त्म होगा, इसलिए मेरी बात मानिए, तो बिग नावी के लिए रुकिए, घाई मत कीजिए, क्योंकि अच्छा बहुत दिख रहा है, मेरा खुद का मन कर रहा है, लेकिन नहीं, बेंचमार्क देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड इस जनरेशन में निकला है, लेकिन इसी जनरेशन में आपको AMD का भी अच्छा मिलेगा, और NVIDIA का 8 नैनोमीटर पे बना है, उसका 7 नैनोमीटर पे बना है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, आप इंतज़ार कीजिए, मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा नवंबर में, वो एक वीडियो काफ़ी होगा आपको सब चीज़ बताने में, वो एडिट होगा, ये एडिट नहीं है, क्योंकि मेरे को बस अभी यहाँ पे एक बार डाल देना है ताकि कोई देखे तो एक बार समझ जाए हिंदी में कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं। मेरी तरह से अभी रुक जाओ, अगर घाई है तो, अगर अच्छा प्रोसेसर है तो 3080 लो, अच्छा प्रोसेसर नहीं है, अच्छा डिस्प्ले नहीं है तो 3070 ले लो, क्योंकि ये जो है स्पेक्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मैं तो मानता ही नहीं अच्छा है, तो बेंचमार्क के लिए रुकना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा अच्छा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो ठीक है, अगर इतना अच्छा अगर निकाल दिया तो ये तो भाई पास्कल से भी बहुत ज़्यादा, मैक्सवेल से पास्कल से भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरी बात मानिए तो नवंबर तक के लिए रुक जाइए, लेकिन ये झकास निकला। अरे कौन कर कौन किसको फ़र्क पड़ता है, चाहे 220W है 320W, उससे मुझे नहीं, इतना दे रहा है पावर, परफॉर्मेंस पावर उतना बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है गाइस, अभी के लिए मैं ये वीडियो बंद करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खास ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, क्योंकि अभी तक उसने शो किया है, बेंचमार्क आएगा तो मैं उसके हिसाब से वो भी कमेंट दूंगा, बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, कि यहाँ पे ये लेना चाहिए था नहीं लेना चाहिए था, तो अपने हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। अभी के लिए शुभ रात्रि, बाय।